बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन कराम, आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम गज़वा हिंद पीर पिंजरा सरकार की नज़र में। नाज़रीन कराम, आज एक नई वीडियो के साथ, नई पेशन गोइयों के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलते हैं नाज़रीन आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन कराम, पीर साहब कहते हैं कि चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान ने आज जीसी यूनिवर्सिटी में खिताब किया, जिस पर रद्दमल देते हुए नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा कि वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए कि इन्होंने किसी तलीमी अदारे को फितने में देकर और इसके अहाते में जलसा मुनक्कद करके इसकी बेरहमती की। मरियम नवाज ने समाजी रबते की वेबसाइट ट्विटर पर कहा कि सीखने की नशिस्त को सियासी नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करना एक ऐसा जुर्म है जिसकी क्या सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। मरियम नवाज के ट्वीट पर रद्द अमल होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने भी मरियम नवाज को आड़े हाथों ले लिया। इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में सियासी लीडर अपने ख्याल का इजहार के लिए यूनिवर्सिटी ही जाते हैं। आप जदीद सियासी रुझानात से नाबुलंद हैं और सिवाय साजिश के आपकी कोई सियासी हिकमत अमली नहीं तो आप ऐसे अहमकाना मुतालबे कर रही हैं। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि आपको खुद यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। अब नौजवान आपकी बात सुनते हैं या नहीं ये अलहदा बात है। इधर चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने जीसी यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब करके कहा कि हमने अपने दौर में माशी तरक्की की, हमने अपने आईटी यूथ को आईटी की टेक्निकल स्किल सिखाने थे, बदकिस्मती से हमने 20 साल जाये किए। आज भारत की आईटी एक्सपोर्ट 144 अरब रुपए है। 20 साल पहले भारत की आईटी एक्सपोर्ट 1 अरब थी। पाकिस्तान को मुस्तकबिल टेक्नोलॉजी में है। इमरान खान ने मजीद कहा कि बुजदिल कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो डर में ही रहता है, खुद गर्ज कभी जात से नहीं निकल पाता। इनका कहना था कि पाकिस्तान में अशराफिया को अपनी जात की पड़ी होती है। माशरे में जुल्म नाइंसाफी या तो लोग इसके खिलाफ खड़े होंगे, दो तबके जुल्म नाइंसाफी का मुकाबला नहीं कर सकते, एक बुजदिल और दूसरा खुद गर्ज। अशराफिया मुल्क और आवाम की नहीं अपने फिक्र में रहती है। इमरान खान ने मजीद कहा कि हमारी हुकूमत साजिश के तहत हटाई गई। अमरीकी नुमाइंदा हमारे सफीर से नाराजगी का इजहार करता है। अमरीकी नुमाइंदा कहता है कि आपने इमरान खान को हटाना होगा। डोनाल्ड लूड ने कहा कि अगर चेरी ब्लॉसम को ले आए तो फिर हम पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे। वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी असगर जैदी ने कहा कि छोटी जहनीत रखने वाले मेरे खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जब मेहमान खसूस को ये नहीं कह सकते कि फलां बात करें और फलां ना करें। मुल्क में अच्छी क्यादत का फुकदान है, चाहते हैं अच्छी क्यादत का आगाज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हो। इन्होंने दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में जीसी यूनिवर्सिटी में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिताब से मुतल्लिक तंकीद पर अपने रद्दमल में कहा कि तलीम और हुनर साथ साथ के अनवान पर यह इवेंट अदारे के लिए अच्छा था, इस इवेंट से कॉलेज को लीड करने का मौका मिल रहा था, इसलिए इस इवेंट को करवाने की इजाज़त दी। बहाउद्दीन ज़िकरिया यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी में भी इस तरह के इवेंट हो चुके हैं। हमने वज़ीर आज़म को भी कन्वोकेशन में दावत दी हुई थी। अगर वज़ीर आज़म का अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली में ना जाना होता और वज़ीर आज़म आ जाते तो भी यही कुछ होना था। आज तूफान बर्पा किया जा रहा है कि इमरान खान को क्यों बुलाया गया, शहबाज शरीफ आ जाता तो भी तूफान उठाया जाना था। इन्होंने कहा कि मुल्क में अच्छी क़यादत का फुकदान है, हम चाहते हैं अच्छी क़यादत का आगाज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हो। इन्होंने कहा कि अगर किसी मेहमान खसूसी को बुलाया है और वो बोलना शुरू कर दे तो किसी मेहमान खसूसी को ये नहीं कह सकते कि फलां बात करें और फलां बात ना करें, वो भी इमरान खान जैसे चीफ गेस्ट को हम नहीं रोक सकते। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी कि मैं इमरान खान को वापस ईमान पर ले आता, छोटी जहनीत रखने वाले मेरे खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए हैं, वो जानते हैं वहाँ हुकूमती और अपोजिशन दोनों को बुलाया जाता है और तनकीद को बर्दाश्त किया जाता है। खुफिया अदारे वज़ीर आज़म की ऑडियो लीक्स पर नतीजे पर पहुँच गए। राना सनाउल्ला का इंकशाफ, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला ने इंकशाफ किया है कि ISI और IB वज़ीर आज़म की ऑडियो लीक से मुतल्लिक किसी नतीजे पर पहुँच चुके हैं। निजी TV के प्रोग्राम में बातचीत करते हुए राना सनाउल्ला ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म हाउस में कोई आला लगाया गया है तो फिर ये सीरियस बात होगी। इन्होंने कहा कि इमरान खान इस्लामाबाद आए इसका बंदोबस्त कर लिया है, इसे जग में बंद करके ऊपर से ढक्कन बंद कर देंगे। रेड जोन के 3 मकामात के अलावा इमरान खान इस्लामाबाद में जहां चाहे जलसा कर सकता है। राना सनाउल्ला ने मरियम नवाज की मुबैना आईडी लीक में इमरान खान को सजा से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि ये तो वो 10 मरतबा कह चुके हैं कि इमरान खान को अगर लाडला ना बनाया गया तो तोशाखाना केस में इसे सजा होगी। इन्होंने कहा कि इमरान खान ऑडियो लीक पर बात तो कर रहा है मगर वो अलकादर ट्रस्ट, तोशाखाना और फराह गोगी का तो जवाब दें। वाज़ह है कि वज़ीर आज़म हाउस से डाटा हैक होने की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम JIT तश्कील दे दी गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस का डाटा हैक होने के मामले की आला सतह पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। JIT में हसास अदारों का एक नुमाइंदा शामिल होगा। पाकिस्तान T20 मैच के आखिरी ओवर में 5 रन का दिफा करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई।
तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता सब कराची में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज के चौथे T20 मैच में पाकिस्तान एक मुनफरद आजाद हासिल करने में कामयाब रहा। गुज़िश्ता शब पाकिस्तान न सिर्फ 200 T20 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई बल्कि मैच के आखिरी ओवर में 5 रन का कामयाबी से दिफा करने वाली पहली टीम भी बन गई। T20 क्रिकेट के 17 साल तारीख में पाकिस्तान के अलावा आज तक दुनिया की कोई बैन अक्वामी क्रिकेट टीम मैच के आखिरी ओवर में सिर्फ 5 या इससे कम रन का दिफा करने में कामयाब नहीं हो सकी। वाज़ह है कि नेशनल स्टेडियम कराची में इतवार की रात खेले गए 7 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के चौथे मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 3 रन से शिकस्त देकर सीरीज 2-2 से बराबर कर दी थी। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ ने इंग्लैंड की इनिंग के 19वें ओवर में तबाहकुन और नाकाबिले फरामोश बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए इंग्लिश टीम से फतह छीनने में कलीदी किरदार अदा किया। हारिस रऊफ ने 18.3 और 18.4 ओवर्स में यके बाद डेग्रेड डाउनसन और स्टोन को आउट करके सनसनी फैला दी, तम हैट्रिक करने में नाकाम रहे। इन्होंने अपने 4 ओवर्स में 32 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद नवाज ने भी 4 ओवर्स में 35 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, जबकि मोहम्मद हसनैन ने 2 और मोहम्मद वसीम ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। कराची में शेड्यूल तमाम मैचेस अख्ताम पजीर होने के बाद पीर के रोज दोनों टीमें लाहौर पहुंच गईं, जहां सीरीज के बकिया 3 मैचेस खेले जाएंगे। सीरीज के बकिया तमाम मैचेस में फतह हासिल करने की सूरत में पाकिस्तान ICC रैंकिंग में 2री पोजीशन हासिल कर सकता है। नाजरीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम गजवा हिंद। फिर पिंजर सरकार की नज़र में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।